नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम धूप में होते हैं, यानी कि धूप के संपर्क में जब हम ज़्यादा होते हैं, तो हमारी स्किन टैन हो जाती है, यानी कि काली पड़ जाती है, काली दिखाई देती है। ये तो हम सभी जानते हैं। अब जैसे जुलाई अगस्त के महीने में तो सबसे ज़्यादा टैनिंग आ जाती है, सभी की बॉडी पर दिखाई देती है, लेकिन वो आती क्यों है, उसका एक्चुअल कारण क्या है, तो हम आज उस कारण को जानेंगे। तो स्किन जो हमारी ब्लैक दिखाई देती है, वो होती है मेलेनिन के कारण। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि आखिर मेलेनिन होता क्या है। तो मेलेनिन एक तरह का पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन के ऊपर यानी कि पैचेस बना देता है, जिसको हम टैनिंग भी बोल देते हैं, पिगमेंटेशन भी बोल देते हैं, ये बनाता है। अब हमें समझना है कि जो पिगमेंटेशन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो हमारी ऑल बॉडी की जो स्किन है, उसके नीचे सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। मेलेनोसाइट्स जब धूप के संपर्क में आती है हमारी स्किन, तो मेलेनोसाइट्स एक तरह का एंजाइम बनाते हैं, उस एंजाइम को कहा जाता है टायरोसिनेज। अब टायरोसिनेज जो एंजाइम है मेलेनिन को बनाता है, और हमारी स्किन पर पिगमेंट आ जाते हैं और पिगमेंटेशन दिखाई देती है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये जो एंजाइम है, ये स्किन अपने आप ही बनाती है, यानी कि जो भी सेल्स हैं स्किन के नीचे, वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं जब हम ज़्यादा धूप के संपर्क में आते हैं। कारण क्या होता है इसका, कि जो यूवी किरणें हैं, सन की जो यूवी रेजेज आते हैं, वो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा हार्मफुल और डैमेज कर सकती हैं, इसीलिए उनसे बचने के लिए स्किन क्या करती है, पिगमेंट को बना देती है। तो हमारी स्किन पर जो डैमेज होता है, वो एक लेवल पर हम कहें तो कुछ कम मात्रा में हो पाता है, फिर उतना डैमेज नहीं हो पाता, इसलिए स्किन पिगमेंटेशन या टैनिंग को क्रिएट करती है, बनाती है।